हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम क्या क्या होते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को रखा जाता है, मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आपस में बदल दी जाती है। जहाँ पर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि दिए गए वर्ब को हमें वर्ब थ्री में बदलना, यानी कि पास्ट, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में हमें इसे बदल देना है। ठीक, तीसरा नियम ये कहता है कि बाई के बाद सब्जेक्ट जरूरत के अनुसार हमें प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे बनाया गया है, जैसे आई किलेड द टाइगर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो द टाइगर है ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पे जो किलेड है ये हमारा वर्ब हो जाता है, ठीक, और ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को लाया गया, पहले हमारा नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह बदली जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब वर्ब बुलाया गया, यहाँ पे दिए गए वर्ब को वर्ब थ्री में बदला गया। ठीक, यहाँ पे जरूरत के अनुसार, जैसे कि नियम नंबर तीन कहता है हमारा, जरूरत के अनुसार बाई के बाद सब्जेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप बाई मी भी रखते हैं तो ये गलत नहीं होगा, नहीं भी रखते हैं तभी भी गलत है, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग अगर पूरा हो रहा है तो आप बाई के बाद सब्जेक्ट को नहीं भी रख सकते हैं, जरूरत के अनुसार यहाँ पर रखना है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाती है जैसे ही हम पैसिव में आते हैं। ठीक, एक्टिव से जैसे ही हम पैसिव में आएंगे वैसे ही क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दी जाएगी। सब्जेक्ट की जगह पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आ गया है और ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है और जो दिए गए वर्ब है वो वर्ब थ्री में बदल दिया गया है। सब्जेक्ट में मतलब कि सेंटेंस में कैसे बदलाव होंगे और सब्जेक्ट कैसे उधर जाके, जैसे कि यहाँ पे आई था, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आई है, यहाँ पे मी कैसे हो गया, ये सारी बातें हम आगे हम करते जाएंगे, एक एक करके समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे, एकदम आसान भाषा में आसानी तरीके से हम चीज़ों को कर लेंगे। जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो सब्जेक्ट थे ऑब्जेक्ट के रूप में होते ही कैसे बदल जाते थे, तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिया गया है जिसके अनुसार आप समझ जाएंगे कि कैसे बदला जाता है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट वे रूप में आई है तो जैसे ही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी हो जाएगा, वी है तो अस लिख देंगे हम, यू है तो यू एफ रहेगा, ही है तो हीम लिख देंगे, सी है तो यहाँ पे हर हो जाएगा, दे है तो यहाँ पे देम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर मान लीजिए सीता है, ठीक, सीता है तो इसका भी बाई सीता ही, मतलब जो है वही हम उसमें लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर नाम आ जाता है तो हम नाम को ही लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाते समय जब सब्जेक्ट में ये सारे होंगे तो आप ऑब्जेक्ट में ऐसे इन सभी को आप लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट बदलने की प्रक्रिया है ऐसे पूरी हो जाती है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनाया जाता है, जैसे कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि सी इट, अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका क्या होगा, इसका कोई भी क्या नहीं होगा, पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। दे प्ले, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका भी स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक, यहाँ पे जैसे कि कुछ टेंसेस के भी क्या नहीं होते, मतलब कि पैसिव नहीं होते, जैसे कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस है, किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस के क्या नहीं होते,
पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ग्रामर के अनुसार इन्हें गलत माना जाता है, इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, इनका स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है, इनके सेंटेंस को नहीं बदला जाता है। लेकिन अगर बदलने के लिए अगर देखा जाए तो नियम हैं, ठीक है, लेकिन वो ग्रामर के अनुसार उन्हें गलत माना गया, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर पैसिव हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर भी अगर ज़रूरत होगा तो हम आगे क्या करेंगे, हम लास्ट में जब हमारा वॉइस ख़त्म हो रहा होगा तो उस समय हम इसको देख लेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अभी हम इनको छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कैसे इसका एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है।